हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपको लेकर आए हैं हमारे साथ शॉपिंग के लिए GK1 एम ब्लॉक मार्केट। ये मार्केट मैं बहुत टाइम से एक्सप्लोर करना चाहती थी फॉर स्ट्रीट शॉपिंग। मैंने बहुत लोगों के रील्स देखे थे, वीडियोस देखे थे, और मेरा बहुत मन था कि यहाँ पर भी एक शॉपिंग वीडियो बनानी चाहिए हमें। तो आज हम यहाँ पर आए हैं। हम अपने ट्रिप पे जाने से पहले कुछ शॉपिंग करना चाहते थे, कुछ ड्रेसेस, कुछ टी शर्ट्स एंड ऑल दैट। तो हमने काफ़ी लोगों से भी सुना था इस मार्केट के बारे में कि ज़ारा के ड्यूप्स यहाँ पर बहुत ही कॉमनली मिल जाते हैं, बहुत ही एवरेज प्राइसिंग पर, एटलीस्ट वे बेटर देन ज़ारा के प्राइसिंग। एंड इवन मतलब आप लोग ऐसे कपड़ों से ना बहुत इजीली बोर हो जाते हो, तो आपको ऐसे कपड़े रीजनेबल प्राइस पे अगर मिल जाएँ तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगी। मैंने ये एक वहाँ का सेंटर पार्क था, उसके अराउंड की सारी शॉप्स अभी आप देख रहे हैं। हर एक शॉप के अंदर ऑलमोस्ट आपको सिमिलर काइंड ऑफ ड्रेसेस मिलेंगी। इवन मतलब आप लाइन में लगी हुई 3-4 शॉप पे जाएंगे तो आपको सेम टाइप ऑफ ड्रेसेस ही वहाँ पर डिस्प्ले में लगी हुई मिलेंगी। और आगे जाकर हम इस बेसमेंट की शॉप में कुछ कपड़े वगैरह देखने के लिए गए थे, बट फ्रैंकली मुझे इस स्टोर पे कुछ खास मिला नहीं। और जो भी चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी वो मुझे स्ट्रीट वाली शॉप से एक्सपेंसिव लग रही थी। बट दिस इज़ नॉट द सेम केस विद ऑल द बेसमेंट शॉप्स। काफ़ी सारी शॉप्स की हम वीडियो बना नहीं पाए बिकॉज वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, बट वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी एंड इवन प्राइस बेटर थे। और एट द टाइम्स आपको कपड़े ट्राई करने का मन होता है तो आप वहाँ के ट्रायल रूम यूज़ करके कपड़े ट्राई कर सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो लेना है या नहीं लेना, विच इज़ दी वर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रीट शॉपिंग, कि वहाँ पे आप ट्रायल नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उस चीज़ का कॉम्पनसेशन करने के लिए आप बेसमेंट वाली शॉप से भी शॉपिंग कर सकते हैं। मेरे पर्पज़ का मुझे इस शॉप से कुछ मिला नहीं था, बट फ्रॉम अदर बेसमेंट शॉप्स आई हैव परचेज्ड फ्यू आइटम्स और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकली हैं। एंड अब हम ऊपर वापस जा रहे हैं। वहाँ पर हमें बाहर निकलते ही मिली ये सनग्लासेस की शॉप, जिस पर जितने भी सनग्लासेस थे वो सब 1500 ईच थे। हमें सनग्लासेस तो अच्छे लगे बट वी वर नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी, एंड विद दिस प्राइस हमने सोचा कि हम किसी अच्छे स्टोर से ही ले लें थोड़े 500 रुपये लगा कर, तो इसलिए हम आगे चले गए। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमने बाकी शॉप्स को भी चेकआउट किया, हमने देखे वहाँ के कपड़े। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप लोग अपने ऑफिस वेयर के लिए ट्राउजर्स, शर्ट्स, ड्रेसेस, एनी काइंड ऑफ क्लोथ्स, आई थिंक दे हैव वेरी रीजनेबल प्राइस। बहुत ही वीडियो शूट करने को लेके कॉन्स्ट्रेंट्स थे, जिसकी वजह से हम सारी शॉप के अंदर की वीडियोज़ नहीं निकाल पाए, जितना हो सकता है हम आपको दिखा रहे हैं। बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एक बारी ज़रूर खुद से जाके इसको चेकआउट करें, आपको डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। इवन फॉर द फुटवेयर्स जो कि यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस पे ही मुझे लगा, मैं इसके प्राइसेस को सरोजनी मार्केट से कंपेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ, बट फॉर एनी मॉल शॉपिंग और एनी अदर काइंड ऑफ स्ट्रीट शॉपिंग आई वुड से कि दिस मार्केट हैज़ बेटर कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ फुटवेयर, क्लोदिंग, एक्सेसरीज, ऑल दिस स्टफ। दिस वॉज वन ऑफ द शॉप जहाँ से मैंने एक ड्रेस ली थी और मेरी फ्रेंड ने एक ट्राउज़र, जो कि हम यूज़ कर चुके हैं एंड वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी। अंदर शूटिंग अगेन अलाउड नहीं थी तो हम आपको लेके नहीं जा सकते, बट दिस वॉज अ शॉप जहाँ पर आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एक बाहर निकल कर हमें एक सर्कल मिला जहाँ पर बहुत सारी लाइन में शॉप्स थी जिन पर यही सिमिलर चीज़ें मिल रही थी बट फॉर द बेटर प्राइस। मतलब यहाँ पर बार्गेन भी ज़्यादा हो रहा था, ईजिली हो रहा था थोड़ा, तो आप इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। ब्राउन शुगर एक्सप्रेस के ऑपोजिट है ये। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आर ब्लॉग। आई होप ये ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको कुछ अच्छी कलेक्शन देखने को मिली हो जिससे आपको आइडिया लगे कि आप और क्या देख सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एम ब्लॉक मार्केट। अगर आपके कोई और डाउट्स हों, क्वेरीज हों, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। थैंक यू।